अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के अलावा बीएमसी ने मशहूर फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा को भी कारण बताओ नोटिस भेजा है। बीएमसी ने यह नोटिस उन्हें अपने ऑफिस में अनधिकृत परिवर्तन करने पर भेजा था। बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। फैशन डिज़ाइनर को कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ करने से पहले बीएमसी ने नोटिस भेजा था। बता दें कि बीएमसी ने मनीष को 7 सितंबर को नोटिस भेजा था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि मनीष ने अपने ऑफिस की बिल्डिंग में अनधिकृत परिवर्तन किए हैं। इसके लिए बीएमसी ने उन्हें 7 दिन का समय दिया और उनसे जवाब मांगा है। वहीं गृह मुंबई नगर पालिका ने हाल ही में एक अवैध निर्माण और प्लान के मुताबिक ऑफिस का निर्माण नहीं कराने पर अभिनेत्री कंगना रनौत को भी नोटिस भेजा था। अभिनेत्री द्वारा नोटिस का कोई जवाब न देने पर बुधवार को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस के अवैध निर्माण वाली जगह पर तोड़फोड़ की। वहीं बीएमसी इस कार्रवाई को कंगना ने बदले की भावना बताया। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहती हैं। उन्होंने ट्विटर पर बीएमसी की कार्रवाई की आलोचना की, साथ ही महाराष्ट्र सरकार को बाबर और पाकिस्तान बताया। कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बीएमसी कर्मचारियों की तस्वीरें साझा की, जिसमें वह कंगना रनौत के ऑफिस में कथित अवैध निर्माण को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, बाबर और उसकी सेना। वहीं एक और तस्वीर साझा करते हुए कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान। तीसरे ट्वीट में बीएमसी की ओर से हो रही ऑफिस में कार्रवाई को तस्वीर साझा करते हुए कंगना ने लिखा, मैं कभी गलत नहीं रहती और मेरे दुश्मन बार बार इसे साबित करते हैं। यही कारण है मेरी मुंबई अब पीओके बन चुकी है।